नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल में पता लग ही गया होगा कि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या होने वाला है, तो आपको बिना किसी देरी के बता दूं कि आपका जो CHSL जो कि SSC कंडक्ट करती है प्लस टू लेवल पे 12th क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए, तो उनका जो एडमिट कार्ड तो नहीं अभी आई है, लेकिन एप्लीकेशन स्टेटस, उनका एक कौन से दिन को एग्ज़ाम है और कौन से शहर में है, ये आ गई है। तो आप फिक्र मत कीजिएगा, इसका जितने भी जोन है SSC के, जैसे कि नॉर्दर्न जोन, आपका साउथ वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थ वेस्टर्न जोन, जो भी जोन है चार पांच, उन सभी जोनों का अलग अलग लिंक मैं डाल दूंगा। फिलहाल मैं आपको इस समय मैं SSC के नॉर्दर्न जोन जो है उत्तरी क्षेत्र उसकी वेबसाइट पर, और यहाँ मैं एक स्टूडेंट का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करके आपको बताता हूँ, आप फिक्र मत कीजिएगा। जैसे देखिए, एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी अगर है तो वो डाल के, देखिए इस जगह पे आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के, और यहाँ पर आप अपना फादर का नाम डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, आपको और आपका अपना रोल नंबर पता है, तो आप यहाँ पर रोल नंबर डाल के और फादर का नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के भी एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये दोनों की भी जानकारी नहीं है, तो आप सिर्फ अपना नाम, अपना फादर नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के भी आप चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी तरह से मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ एक स्टूडेंट का रोल। देखिए मेरे पास एक नेम सर्च करता हूँ, इस तरह से आप अपने नाम का अगला शुरू के 3 डिजिट भी डाल के चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपको अपना डेट ऑफ बर्थडे फिल कर देना है। डालने का थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिएगा, देखिएगा ये खुल के आ जाएगा। एक बार दोबारा चेक करता हूँ, हो सकता है पूरा भरना पड़े, 3 डिजिट से ले नहीं रहा। यहाँ पे आपको आपका नाम का पूरा डिजिट ही भरना पड़ेगा। देखिए इस तरह से मैंने फिल कर दिया है और सब सर्च स्टेटस किया है, और ये देखिए यहाँ पे शो हो गया है, इस स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो मिल गया है। उसके अलावे जो एग्ज़ाम की तारीख है वो यहाँ पे दी गई है, इनका एग्ज़ाम 5/7/2019 को है, और इनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो है गुरुग्राम में, समय दी गई है 1 बजे से 2 बजे के बीच में, और इनका फॉर्म जो है प्रोविजनली एक्सेप्ट हो गया है। तो इसी तरह से आप भी अपने जोन का अपने जोन का जो एप्लीकेशन स्टेटस है, कौन सा जगह पे सेंटर पड़ा है और किस दिन को है, ये जाके चेक कर ले अभी। और आपका एडमिट कार्ड जो है आपके एग्ज़ाम के 7 दिन पहले इसी वाले वेबसाइट पे आ जाएगी, तो आप वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे एडमिट कार्ड आता है मैं उसका एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख पाए बिहार डेलीगेशन के लिए।